वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश गुरु स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड और हमारे साथ सीखे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश। दिस इज सुरेश मौर्य। और चलिए फ्रेंड्स, हमारे इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नए सेंटेंसेस से हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के एक सीरीज के साथ। आज हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अगले सेंटेंसेस, अगले सेगमेंट को देखेंगे। आज हम देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस को जोड़ करके फिर से लिख करके हम यहाँ पर बताएंगे, समय बताएंगे कब हुआ, किस तरह से वो दिखाने की कोशिश, लेकिन कुछ अगले यूजिंग के साथ करेंगे। यहाँ पर जो आज हम कंजक्शन यूज करेंगे वो कुछ डिफरेंट होंगे। पिछले वीडियोज में हमने देखे थे कि कंजक्शन टाइम जब हम बता रहे थे, हमने वेन से उन सेंटेंसेस को जोड़ा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनाया, हमें दिखाने की कोशिश की कि समय किस तरह से हमारे सेंटेंसेस को यूज करके हम समय की तरफ इशारा करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा है तो आपने सीखे होंगे कि किस तरह से हमारे सेंटेंसेस हम हमारे लाइफ में यूज करते हैं। आप प्लेलिस्ट से हमारे सारे लेसन पा सकते हैं, कुछ लिंक भी हमने आपके साथ शेयर किया है जहां से आप डायरेक्ट हमारे उन वीडियोज तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपनी नोटबुक पेन कॉपी निकाल करके तैयार हो जाइए। हम आज जो करने जा रहे हैं, हमारे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले, एग्जाम्स में आने वाले हमारे ग्रामर और हमारे एडवर्ब क्लॉज के कुछ अगले सेगमेंट देखते हैं। परीक्षाओं में जो हमारे सेंटेंसेस आते हैं उनके सीरीज के साथ हम देखते हैं कि क्लॉज का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। पिछले वीडियोज में भी हमने देखे नाउन क्लॉज के पांच तरीके होते हैं, पांच प्रकार होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज और हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज की सीरीज के साथ हम देख रहे हैं एडवर्ब क्लॉज नौ तरीके के होते हैं, जिनके पिछले कुछ वीडियोस हमने देखे हैं। हमने पढ़ा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के सेंटेंसेस, कारण बताने वाले। हमने देखा था एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, परिणाम बताने वाले। हम देख रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जहां पर हम समय की तरफ इशारा करते हैं। हम देखेंगे कि समय के साथ अलग अलग जो हमारे कंजक्शन होते हैं वो यूज होते हैं। हमने नॉन फिनाइट बनने वाले सारे क्लॉज पहले ही पढ़ लिए हैं। हमने इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल से होने वाले जो सेंटेंसेस हमारे जीवन में, हमारे ग्रामर में उपयोग होते हैं वो हम देख चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है वो किस तरह से कंजक्शन के साथ प्रयोग होता है, उनके किस तरह के कंजक्शन होते हैं। हम सेंटेंसेस को जोड़ करके, अलग अलग दो सेंटेंसेस को जोड़ करके क्लॉज बनाते हैं। क्लॉज जो हमारे छोटे छोटे वाक्यों के खंड होते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं। हम उन सेंटेंसेस को यहाँ पर समय दिखाने वाले वाक्य के साथ, जहां पर हमारा जो मेन वर्ब होगा, एक्शन वर्ब होगा, वो समय की तरफ इशारा करेगा, जब वो घटना घटित हुई, जब वो काम हुआ। वेन के सेंटेंसेस हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया। आज से हम शुरुआत करेंगे बिफोर के सेंटेंसेस यूज करने के, उनके प्रयोग देखने की, उनकी विधि देखने की। आफ्टर, अंटिल, एज, लॉन्ग एज के सेंटेंसेस हम बाद में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे एज सून एज, नो सूनर देन के सेंटेंसेस हमारे अगले सीरीज के साथ में। तो आज हम जो सेंटेंसेस देखने जा रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अंतर्गत, वो हमारे बिफोर से बनने वाले सेंटेंसेस होंगे, जहां पर हम किसी घटना को दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो किसके पहले ऐसा वो घटना को काम हुआ है। वेन के सेंटेंसेस आप रिवाइज कर लीजिएगा हमारे प्लेलिस्ट से, हमने जहां पर उनके लेसन को हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारे ग्रामर में, परीक्षाओं में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे उन सेंटेंसेस को, जहां पर हम सेंटेंसेस को जोड़ करके हम बनाएंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। हम दिखाएंगे कि हमारे सेंटेंसेस कंजक्शन से जोड़कर, जो आज हम बिफोर का यूज करने जा रहे हैं, हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो हमारे जो सेंटेंसेस होंगे वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज किस तरह से एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर करेगा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अंतर्गत हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बिफोर के पहले किसी समय, किसी घटना को बताने के लिए हम यहाँ पर बिफोर का प्रयोग करेंगे। हम दिखाएंगे कि कोई काम किसके पहले हुआ है, किस काम, कौन सा काम बाद में हुआ है, कौन सा काम, कौन सी घटना बाद में घटित हुई है, कौन सी घटना पहले घटित हुई है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर। पहला, बिफोर यू गो टू ऑफिस ब्रिंग मी सम वेजिटेबल्स, इसके पहले कि आप ऑफिस जाओ मुझे कुछ सब्जियां ला दो। तो कोई घटना पहले करने की हम दिखा रहे हैं कि ऑफिस जाने के पहले क्या काम करने के लिए कहा जा रहा है। बिफोर यू गो टू ऑफिस, अभी ऑफिस नहीं गए हैं, ऑफिस जाने के पहले कुछ सब्जियां ला दो, यहाँ पर सेंटेंस बनाया जा रहा है। ऑफिस जाने से पहले कुछ सब्जियां लाने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए, हमारा ये जो बिफोर है, समय को दिखाने के लिए कंजक्शन का प्रयोग हो रहा है, समय को दिखाने के लिए एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग हो रहा है, जहां पर जाने से पहले, कोई घटना करने से पहले, कोई एक्शन करने से पहले जो विशेषता दिखाई जा रही है, जो वर्ब करने के यहाँ पर जानकारी दी जा रही है, काम करने की जानकारी दी जा रही है, एक्शन करने की जानकारी दी जा रही है, उस काम को पहले करने की जानकारी यहाँ पर बताई जा रही है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा बनता है, एग्जाम्स बोलचाल में हम इस तरह के सेंटेंसेस लगातार यूज करते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर ध्यान से, कुछ हमारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो हमारी परीक्षाओं में बेहतर ढंग से हम नंबर ले सकते हैं, जिनकी जानकारी, जिनके सेंटेंसेस आप यहाँ पर सीख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ में, कलर कोड के साथ में। हमारा अगला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर, आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड अराइव्ड। बिफोर से इसको फिर से जोड़ते हैं, समय बताएंगे कौन सी घटना
कब घटित हुई है, कौन सा काम बाद में हुआ है। आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड अराइव्ड। इस तरह के सेंटेंस में अगर आप समय वहां पर देखें, अगर आप टेंस प्रॉपर तरीके से देखें, तो हमने यहाँ पर हिंट किया है बिफोर के बाद हमें पास्ट, सिंपल पास्ट का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट रखना चाहिए, और बिफोर के पहले अगर हम बिफोर को बीच में यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान से हम सेंटेंस को एग्जांपल में समझेंगे। अगर हम बिफोर का कंजक्शन, जो बिफोर की यूजिंग है, बिफोर को जोड़ते समय बीच में, दो सेंटेंस के बीच में करते हैं, तो हमारा जो सेंटेंस होंगे, पहला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट होना चाहिए और बिफोर के बाद में हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल दोनों तरीके से समझते हैं। बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड अराइव्ड। इसके पहले कि मैं स्टेशन पहुंचता, ट्रेन आ गई थी, ट्रेन आ चुकी थी, तो ट्रेन पहले आ गई थी, मैं बाद में पहुंचा। द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन, ट्रेन आ गई थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन, इसके पहले कि मैं स्टेशन पहुंचता, तो मेरे आने से पहले ट्रेन आ गई थी स्टेशन पर। आप दोनों तरीके की हिंदी जो देखेंगे वो इसी तरीके से बनेगी, मेरे आने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले स्टेशन पर ट्रेन आ गई थी, हमारा सेंटेंस बनता है। तो बिफोर के यूजिंग के समय हमें हल्का सा ध्यान जरूर रखना है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आपका जो होगा वो हमेशा बिफोर के बाद ही रखना होगा। बिफोर चाहे आप बीच में यूज करें दो सेंटेंस के, या बिफोर को आप शुरुआत में सेंटेंस में यूज करें, सबसे पहले लिखें। अगर सबसे पहले भी लिखते हैं तो हमें बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट रखना चाहिए, उसके बाद आप कॉमा लगाइए, उसके बाद हमारा जो सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट, हम वो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा, बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड अराइव्ड। तो चलिए और भी एग्जाम्पल से समझेंगे इस तरह के सेंटेंस को, किस तरह से हमारे सिंपल पास्ट और किस तरह से हमारे पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस जोड़ते समय हमें ध्यान से रखना चाहिए। अगला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर, सी रीच्ड हर स्कूल, द बेल हैड रंग। तो जो घंटी है बज चुकी थी, वो स्कूल पहुंची। तो स्कूल पहुंची कब, घंटी कब बजी, हम देखते हैं। हमने जिस तरह से अभी देखा, बिफोर के बाद हमें सिंपल पास्ट का सेंटेंस रखना है, बिफोर सी रीच्ड हर स्कूल द बेल हैड रंग। इसके पहले कि वो स्कूल पहुंचती, घंटी बज चुकी थी, घंटी बज गई थी। इसी को हम पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस अगर पहले करते हैं, तो हमें बिफोर का यूज बीच में करने के बाद सिंपल पास्ट का सेंटेंस देखना है, उसका अनुवाद, उसका अर्थ सही निकलेगा, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। द बेल हैड रंग बिफोर सी रीच्ड हर स्कूल, घंटी बज गई थी उसके पहले कि वो स्कूल पहुंचती, स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज गई थी। हमारा दो सेंटेंस जो हम देख रहे हैं, दो सेंटेंस हमारे जो सिंपल अलग अलग है, उन्हें हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, बिफोर की यूजिंग कर रहे हैं, जीवन में भी हमारे बोलते समय उपयोगी होते हैं, ग्रामर परीक्षाओं में भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, आपको पूरे नंबर दिला सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, आई हैड टेकन बाथ द सन रोज। मैंने नहा लिया था, मैंने नहा चुका था सूरज निकलने से पहले, सूरज निकला तो हम, मैंने नहा लिया था, सन रोज सूरज निकला, मैंने नहा लिया था, हम बिफोर से बताएंगे, बिफोर द सन रोज, सूरज निकलने के पहले, आई हैड टेकन बाथ, मैंने नहा लिया था। तो देखिए हमारा बिफोर के बाद सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और कॉमा है, उसके बाद में हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अगर हम बिफोर को बीच में यूज करते हैं, आई हैड टेकन बाथ बिफोर द सन रोज, बिफोर के बाद में फिर से देखिए सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट है, हम इस तरह से ध्यान से बना सकते हैं। अगर आपको उसका प्रॉपर मीनिंग अर्थ ना निकल रहा हो तो भी हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। आई हैड टेकन बाथ बिफोर द सन रोज, उसी एग्जांपल को बिफोर शुरू में करते हैं, बिफोर द सन रोज, आई हैड टेकन बाथ, सूरज निकलने से पहले मैंने नहा लिया था। तो चलिए स्टूडेंट, हमें इस तरह के एग्जाम्पल के साथ में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने की विधि आसानी से बिफोर के साथ पता चल जाती है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हमारा, मम्मी हैड नॉट टेकन हर डिनर, आई अराइव्ड होम। मैं घर पहुंचा, मम्मी ने अपना खाना, मम्मी ने डिनर नहीं किया था, मम्मी ने खाना नहीं खाया था रात में, मैं घर पहुंचा। तो हम कहेंगे मेरे घर पहुंचने से पहले मम्मी ने खाना नहीं खाया था, मम्मी हैड नॉट टेकन हर डिनर। देखिए पास्ट परफेक्ट का हमारा सेंटेंस बिफोर के पहले, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट का सेंटेंस, मम्मी हैड नॉट टेकन हर डिनर बिफोर आई रीच्ड होम। मैं घर पहुंचता उसके पहले मम्मी ने खाना नहीं खाया था, इसका मतलब मम्मी मेरा इंतजार कर रही थी, उन्होंने खाना नहीं खाया था मेरे इंतजार में, तो मम्मी ने खाना नहीं खा चुकी थी जब तक मैं घर पहुंचता, मम्मी हैड नॉट टेकन हर डिनर बिफोर आई रीच्ड होम। तो हमारा सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज दिखा रहा है, समय को दिखा रहा है, घटना नहीं घटित हुई थी, नेगेटिव में सेंटेंस हम यहाँ देख रहे हैं, और हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है, बिफोर का यूजिंग हमने किया है, कंजक्शन का यूज हमने किया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हमारा सेंटेंस,
आई हैड रीच्ड द एग्जाम हॉल, द एग्जाम स्टार्टेड, मैं परीक्षा हॉल में पहुंच गया था, परीक्षा शुरू हुई, मैं पहुंच गया था पहले, परीक्षा बाद में शुरू हुई, आई हैड रीच्ड द एग्जाम हॉल बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, परीक्षा शुरू होती उसके पहले मैं पहुंच गया था, बिफोर का सेंटेंस उसके पहले, बिफोर का सेंटेंस उसके बाद हम देखेंगे, तो बिफोर के सेंटेंस में हमें उसी बात का ध्यान हमेशा रखना है, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट आप देख रहे हैं, आंसर में आई हैड रीच्ड द स्टेशन हमारा परफेक्ट जो टेंस है वो पहले है, आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, परीक्षा शुरू होती उसके पहले मैं परीक्षा हॉल में पहुंच गया था। हमने देखे इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर हमारे एडवर्ब क्लॉज के सेंटेंसेस हम बना रहे हैं, परीक्षाओं में भी उपयोग होते हैं, हमारी बोलचाल में उपयोग होते हैं, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना रहे हैं, समय को दिखा रहे हैं एडवर्ब क्लॉज, जहां पर एडवर्ब क्लॉज से अर्थ होता है जो किसी एक्शन वर्ब की तरफ इशारा करता है, वो घटना किसके बाद किसके पहले समय की तरफ इशारा करता है, हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे सेंटेंसेस। अगले पेज पे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं जहां पर हम सेंटेंसेस को जोड़ करके अलग अलग सेंटेंसेस को बना करके एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम देख रहे हैं। हम सेंटेंसेस बना रहे हैं कंजक्शन के यूज के साथ में, और हम जो सेंटेंसेस यहाँ पर बनते हैं यूज करने के बाद में, कंजक्शन लगाने के बाद में, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। हमारा एग्जांपल अगला आपके स्क्रीन पर, बिफोर जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, आई हैड इन्फॉर्म यू बिफोर यू केम हियर, मैंने तुम्हें बता दिया था, मैंने तुम्हें सूचित कर दिया था तुम यहाँ पर उसके पहले आते, तो तुम यहाँ पर आए हो उसके पहले मैंने तुम्हें बता दिया था। हम यहाँ पर कह रहे हैं आई हैड रीच, आई हैड इन्फॉर्म यू बिफोर यू केम हियर, तुम इसके पहले यहाँ आते मैंने तुम्हें बता दिया था, तो मतलब जो बताने का काम है वो पहले ही हो गया था, सूचना पहले दे दी गई थी, बाद में वो यहाँ पर आए हैं, उसमें उनकी गलती नहीं है क्योंकि सूचना तो दे दी गई थी, उनको बता दिया गया था। उसके बाद अगर वो कोई गलत यहाँ पर जानकारी मिलती है या कुछ भी होता है तो इसमें जिम्मेदारी उनको बताने के बाद इनकी जिम्मेदारी नहीं है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं, हमारा जो सेंटेंस यहाँ पर होगा आपके स्क्रीन पर, इट वॉज गुड, हम यहाँ पर अलग अलग तीन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। इट वॉज गुड यू हैड सेंट मी टिकट SMS, जो मेरा SMS है, मेरे ट्रेन की टिकट है, जो SMS आता है हमें टिकट के लिए ट्रेन से, IRCTC से जो जानकारी मिलती है SMS आता है। इट वॉज गुड यू हैड सेंट मी टिकट SMS, तुमने मुझे वो टिकट का SMS भेज दिया था, द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन आई, तो हम कहना चाह रहे हैं कि अच्छा हुआ तुमने मुझे जो SMS है टिकट का वो भेज दिया था ट्रेन आने से पहले। इट वॉज गुड दैट यू हैड सेंट मी टिकट SMS बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, तो जो टिकट का SMS है तुमने मुझे भेज दिया था, अच्छा हुआ ट्रेन आने से पहले, तो ट्रेन आने से पहले जो टिकट है मैसेज है मोबाइल पर आ गया था। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस बन गया हमारे जीवन का, हमारे हम जब भी ट्रेवल करते हैं अगर टिकट किसी और के मोबाइल पर है, किसी और के पास वो SMS है और हमें टिकट वो चाहिए, SMS चाहिए, तो उसके पहले वो हमें मिल गया था। तो इस तरह के एग्जांपल हमारे लाइफ में, हमारे जीवन के बिफोर का सेंटेंस हम जो यूज करते हैं जीवन में बोलने के लिए। अगला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर सेंटेंस हमने पहले से ही बनाया है, हुआ रखा है, यहाँ पर हम दो सेंटेंस पहले से जोड़ कर रखे हैं। बिफोर आई कुड नो एनीथिंग दैट थीप हैड रन अवे टेकिंग माई पर्स, इसके पहले कि मैं कुछ जान पाता, इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो चोर मेरा पर्स लेकर भाग गया था, तो वो जो चोर है उसके पहले ही निकल गया था, भाग गया था, चला गया था। बिफोर आई कुड नो एनीथिंग मॉडल का सेंटेंस सिंपल पास्ट में, कुड मॉडल से हमने यूज किया है, कुड मॉडल जो सिंपल पास्ट के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है, और परफेक्ट टेंस हमारा बाद में। बिफोर आई कुड नो एनीथिंग दैट थीफ हैड रन अवे टेकिंग माई पर्स, इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाता जान पाता वो चोर मेरा पर्स लेकर के भाग गया था, सिंपल पास्ट में हमारा सेंटेंस एक, पास्ट परफेक्ट में हमारा सेंटेंस। दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का यूज बिफोर के साथ हमने किया है। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस, दे हैड स्टार्टेड देयर वर्क आई अवोक, तो कोई काम है जो पहले ही शुरू हो गया था, पहले ही काम मेरे जागने से पहले ही शुरू हो गया था। दे हैड स्टार्टेड देयर वर्क बिफोर आई अवोक, मैं जागता इसके पहले ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, तो मैं सोया ही रहा, काम शुरू हो गया था पहले, काम शुरू हो गया था पहले, मैं सोया ही रहा। बिफोर आई अवोक, मैं जागता इसके पहले उन्होंने काम शुरुआत कर दिया था, कर चुके थे। एक और एग्जांपल देखते हैं और एक सेंटेंस देखते हैं, माय रूम मेट हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डिनर आई केम बैक रूम, मैं कमरे में आया, मेरे जो रूम पार्टनर है, जो मेरा रूम के साथी है, उसने पहले ही डिनर बना लिया था, तैयार कर लिया था, तो मेरे रूम पार्टनर ने मेरा डिनर भी तैयार कर लिया था, मैं आता घर पर रात में। माई रूम मेट हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डिनर बिफोर आई केम बैक रूम, तो हम लोग जानते हैं
जो लोग भी साथ में रूम पर आपस में रहते हैं, शेयर करते हैं, खाना बनाते हैं, तो रूम पार्टनर ने पहले ही, रूममेट ने पहले ही खाना बना दिया था, लेट हो गए हैं आने में, तो पार्टनर के लिए भी खाना बना लिया था। माय रूममेट हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डिनर बिफोर आई केम बैक। तो हमारे सेंटेंसेस हमारे लाइफ के आसपास के एग्जाम्स के बोलचाल में भी उपयोगी, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हम कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी हम बनाना सीख रहे हैं, और जीवन में किस तरह से सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं। अगला एग्जाम्पल, माई पापा कॉल्ड मी बैक, आई हैड टेकन आउट हिज कार। तो मैंने जो पापा की कार है निकाल लिया था बाहर, पापा मुझे बुलाते वापस के पहले मैंने कार निकाल लिया था, गैरेज से दूर कर लिया था, पापा को देखने नहीं दिया, पापा की जानकारी के बगैर मैंने कार निकाल लिया था, भाग गया था। बिफोर माई पापा कॉल्ड मी बैक, आई हैड टेकन आउट हिज कार। तो इसके पहले कि मेरे पापा कुछ समझ मुझे बुलाते वापस, मैंने उनकी कार निकाल लिया था, उनकी कार लेके चला गया था। बिफोर माई पापा कॉल्ड मी बैक, आई हैड टेकन हिज कार। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का हम यूज कर रहे हैं, बिफोर के साथ यूज कर रहे हैं, कंजक्शन जो हमारा बिफोर है टाइम बताने की कोशिश कर रहे हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के साथ हमारे सेंटेंसेस है। इसी तरह के सेंटेंसेस हम और भी लाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएंगे, एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे। कीप वाचिंग सरल इंग्लिश गुरु, स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड कमेंट, प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियो, शेयर योर नॉलेज विद अस, मेक योर ग्रुप लार्जर बेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।